आजादी की वर्षगांठ पर यूनियन क्लब में भी अध्यक्ष गुरुचरण सिंह होरा ने सभी पदाधिकारियों और सदस्यों की मौजूदगी में ध्वजारोहण किया। राष्ट्रगान के बाद अपने संबोधन के दौरान सबको बधाई देते हुए उन्होंने कहा कि सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई व शुभकामनाएं। परंपरा अनुसार आज जगह जगह ध्वजारोहण किया जा रहा है। गोरों को भगाकर हमने मुश्किल से आजादी हासिल की है, परंतु आज भी हमारे आसपास गुलामियों का परिवेश है जिससे हम रोज बंधे रहते हैं। परंपरानुसार बहुत मुश्किल से आज़ादी मिली है और गोरों को भगाकर हमने अपनी आज़ादी पाई है, परंतु आज के समय में हमारे आसपास भी बहुत सारी गुलामियों का परिवेश है जिसमें हम लोग रोज बंधे रहते हैं। लेकिन मैं चाहूँगा कि कम से कम हमारी खेल की संस्था ये और यहाँ पे खिलाड़ी और आज मेंबरों से एक ही आह्वान करना चाहूँगा, ये क्लब सबसे पुराना है, 1932 का है, इसकी मान शान मर्यादा आप लोगों के हाथ में है। मैं आपसे विनम्र अनुरोध करना चाहूँगा कि क्लब को व्यवस्थित रखें, सुखी रखें और अपने किसी भी लोकल गेस्ट को लेके ना आए क्लब में, क्योंकि इससे क्लब की बदनामी होती है। विगत कुछ दिनों में मैंने देखा है कि कुछ असामाजिक तत्व भी आ जाते हैं जिसमें आप जैसे अच्छे खिलाड़ियों का खेल छुप जाता है और ऐसे असामाजिक तत्वों के कारण क्लब की जो छवि है वो थोड़ी धूमिल होती है। मैं आज इस अवसर पे कभी नहीं बोलता, लेकिन मैं सभी मेंबरों से आग्रह करूँगा कि अपने साथ किसी भी लोकल गेस्ट को ना लाएं, और यदि कोई लोकल गेस्ट आपको पकड़ा जाता है, बोला जाता है, तो अध्यक्ष और सचिव को सूचित करें। और ये क्लब आपका है, इसको व्यवस्थित रखना आप लोगों का धर्म है, क्योंकि हम लोग तो यदा कदा आके यहाँ पर व्यवस्था देखेंगे, लेकिन मेंबरों का भी दायित्व है कि नॉन मेंबर कम से कम यहाँ पर ना आए। ये संकल्प आपको आज लेना पड़ेगा और मेरा सबसे अनुरोध है, क्लब सबका है, ये क्लब जो है खेलों के लिए विख्यात है और इसकी छवि बनाए रखना आप लोगों के हाथ में। जय हिंद, जय भारत।